किस चैनल से थे वो? आज तक से थे, वो आज तक से थे। ये बताइए आप, रमन कश्यप की कल मौत हो गई थी, क्या कारण रहा, किस तरीके से? ये सर भीड़ भाड़ तो वहाँ थी, ये मतलब जो पत्रकार थे तो उसमें मतलब वही इसी ले गए थे, मतलब इनको तो मतलब जब उसमें अब गाड़ी से ही मतलब ये मरे हैं और हम वहाँ देख के आए, पीएम तो हो ही गया, हमने देखा निशान भी घसीटने के बड़े हैं, गाड़ी के ठोकर लगे हैं, लाठी डंडे की कोई चोटें तो है नहीं, तो हम अब ये चाहते हैं कि जिस गाड़ी से मरे हैं तो मतलब उनके खिलाफ FIR लिखी जाए, 302 का मुकदमा लिखा जाए और मेरी बहू जो है उसको सर्विस मतलब उसको नौकरी, सरकारी नौकरी दिलाई जाए और कुछ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश के लिए मुआवजा दिलाया जाए। गाड़ी के गाड़ी से जब रोड पे घसीटेगा तो गाड़ी से ही घसीटेगा, उसके घसीटे के निशान है। मार्टम रिपोर्ट में आई, रिपोर्ट तो अभी नहीं आई है, मतलब उस घसीटे के रगड़ के मतलब सब निशान बने पूरे पर। आप प्रदर्शन कर रहे हैं? अब हम फिर यहीं रोकेंगे, मतलब हमारी मतलब कोई मांगे पूरी होंगी कुछ, मतलब प्रशासन क्या कहता क्या नहीं कहता, मतलब हम तो सोचते हैं कि हम कन्फर्म हो जाए कुछ जी। अब यहाँ कोई आएगा तभी तो रुकेंगे। आज ये एक घटना हुई जिसके बारे में हम लोग आए तो आप बता रहे थे कि आज तक क्या क्या, थोड़ा उस बारे में बताएंगे क्या ऐसा हो रहा था? ऐसा भी है, कल से बहुत मीडिया वाले आए हैं, ठीक है, तो कुछ मीडिया वाले उसमें ऐसा है कि वो अपने वर्ड हमारे मुंह से बुलवाने के लिए, जैसे किसानों ने डंडों से मारा है, ये है वो है, तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी राजनीति कर रहे, मीडिया भी राजनीति कर रही है। कुछ पत्रकार ऐसे आए जो बोल रहे हैं कि जानबूझ के इनको विधायक की गाड़ी से मारा गया है, या तो गाड़ी तो थी थार थी विधायक पुत्र उसमें चला करते थे, लेकिन ऐसा है कि इसमें राजनीति हो रही है। अभी एक आए चैनल वाले तो वो बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि लाठी डंडों से मारा गया है, जबकि भाई साहब अभी रिपोर्ट आई ही नहीं है। मैंने थोड़ी सी उनसे तीखी सी बहस हो गई तो उन्होंने मुझसे ये भी कहा, हम इस हाल में उन्होंने मुझसे ये कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो हम इतनी तहजीब से आपसे बात ना करते, हम लड़ाई करने में बहुत आगे रहते हैं। किस चैनल से थे वो? वो आज तक से थे। अच्छा, क्या ऐसी बात क्या हुई थी कि आपसे झड़प हुई? बात क्या, जब रिपोर्ट अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है और वो पहले से ही अपनी मनगढ़ंत कि उनको लाठी डंडों से पीटा गया है, जबकि मैं मोस्चरी में था, मैंने अपने भैया के सारे कपड़े उतार के देखे तो उनके पर लाठी डंडों के कोई निशान नहीं थे, बस जो सर में चोट लगी थी गाड़ी की, यहाँ तक कि रोड का जो तारपोल था वो भी उनके हाथ में लगा था, ठीक है, तो मैं कैसे मान लूँ कि लाठी डंडों से हुआ है। अब रिपोर्ट अगर गलत बन जा रही या बनवाई जा रही रिपोर्ट तो उसको मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो फिर आपने जब पूछा तो उन्होंने क्या दिखाया, इसका आधार क्या दिखाया कि वो ऐसे? उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उनका कोई न्यूज का ग्रुप था, उस पर उन्होंने ही वो खबर डाल रखी थी, ठीक है, कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ है। तुमने कहा ये तो आपका ग्रुप हो गया ना, अब आप ऐसा कोई साक्षी दीजिए जिसमें हमारे डॉक्टरों ने या जिस पैनल ने पोस्टमार्टम किया है वहाँ से, या कोई सरकारी मतलब ऐसा कुछ बताइए कि आपको लगे कि हाँ ये लाठी डंडों से मारा गया है, ऐसा तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। मैंने उनसे विनम्रतापूर्वक हाथ भी जोड़े कि आप मेरे घर पर आए ऐसी पोजिशन में, हम लोग आप पानी पीजिए और बिया चले जाइए, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे पीछे पीछे घूमते रहे और मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, यही कह रहे थे कि मैं लड़ाई करने में बहुत आगे हूँ, भाई ना होते अब मृतक के तो हम इतनी तहजीब से थोड़ी ना बात करते।